अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नॉन स्टॉप शोबिज़ के नए एपिसोड के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आज भी बहुत सारी नई खबरें। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ, जो है इमरान अशरफ और अमर खान के बारे में, जो बहुत जल्द अपना फिल्मी कैरियर शुरू करने जा रहे हैं। इमरान अशरफ और अमर खान को कास्ट किया है अदनान सिद्दीकी ने अपनी फिल्म दम मस्तम में। इस फिल्म की शूटिंग लाहौर में होगी। आज की अगली खबर है लाहौर की फिल्मी सरगर्मियों के बारे में, जहां बहुत सारी नई फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई है। नई फिल्मों की शूटिंग शुरू होने पर सीनियर फिल्मकारों ने खुशी का इजहार किया है। सीनियर अदाकार अच्छी खान ने बताया कि वो इन दिनों 10 फिल्मों की शूटिंग में मसरूफ हैं। अगली खबर है मारूफ एंकर डॉक्टर आमिर लियाकत के बारे में, जो फिल्मी दुनिया में कूद पड़े हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत ने इंकशाफ किया कि वो 3 फिल्मों में काम कर रहे हैं। आमिर लियाकत का मजीद कहना था कि मेरी फिल्में आने के बाद बड़े बड़े फनकारों की छुट्टी हो जाएगी। अगली खबर है नसीम इक्की की फिल्म सॉरी बाबा के बारे में, जिसकी कास्ट इन दिनों फाइनल की जा रही है। नसीम इक्की ने एक अहम किरदार के लिए जावेद शेख को कास्ट कर लिया है। अगली खबर है सरमद सुल्तान की फिल्म कमली के बारे में, जिसकी शूटिंग कलर कहार में शुरू कर दी गई है। इस फिल्म की शूटिंग में सबा कमर के अलावा दीगर फनकार भी हिस्सा ले रहे हैं। आज की आखिरी खबर है डायरेक्टर कासिम अली मुरीद की फिल्म टीच बटन के बारे में, जिसकी शूटिंग का आखिरी स्पेल तुर्की में शुरू होगा 10 नवंबर से। तुर्की जाने वाले फनकारों में शामिल हैं मरीना खान, फेरोज़ खान और ईमान अली, जबकि इस फिल्म में सोनिया हुसैन भी बहुत अहम किरदार कर रही हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का नॉनस्टॉप शोबिज़। मज़ीद खबरें जानने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट khouj.com। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।